श्रीलंका टीम में 2 साल बाद इस धाकड़ खिलाड़ी की वापसी से टेंशन में टीम इंडिया। इस खिलाड़ी के रहते अब टीम इंडिया के लिए आसान नहीं होगा लंकाई टीम को हराना। टीम इंडिया को चुनौती देने के लिए लंकाई टीम ने मैदान में उतारा अपना ब्रह्मास्त्र। भारत और श्रीलंका के बीच 27 जुलाई से 3 मैचों की T20 सीरीज शुरू हो रही है। इस सीरीज के लिए श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड ने अपनी टीम का ऐलान कर दिया। श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड ने T20 क्रिकेट टीम के उपकप्तान रहे चरित असलंका को टीम का नया कप्तान बनाया है। वहीं T20 क्रिकेट टीम में एक खिलाड़ी की 2 साल के बाद वापसी हुई है। इस दिग्गज खिलाड़ी को टीम में अनुभवी खिलाड़ी एंजेलो मैथ्यूज की जगह मिली है। श्रीलंका की T20 क्रिकेट टीम में 2 साल के बाद वापसी करने वाला एक खिलाड़ी दिनेश चांडीमल है। दिनेश चांडीमल की उम्र 34 वर्ष है। उन्होंने श्रीलंका के लिए आखिरी बार 2022 में T20 मैच खेला था। दिनेश चांडीमल ने श्रीलंका के लिए कुल 68 T20 मैच खेले। इनमें उन्होंने 103 के स्ट्राइक रेट के साथ कुल 1062 रन बनाए हैं। उनका सर्वाधिक व्यक्तिगत स्कोर नाबाद 66 रन है। इन 68 मैचों में दिनेश चांडीमल ने 6 अर्धशतक भी लगाए हैं। दिनेश चांडीमल को हाल ही में संपन्न हुए लंका प्रीमियर लीग में बेहतरीन प्रदर्शन करने का इनाम मिला है। दिनेश चांडीमल ने लंका प्रीमियर लीग में अपनी टीम के लिए ओपनिंग करते हुए 8 मैचों में 168 के स्ट्राइक रेट के साथ 287 रन बनाए हैं। इसी प्रदर्शन की वजह से उन्हें एंजेलो मैथ्यूज की जगह टीम में चुना गया है। दिनेश चांडीमल ने भारत के खिलाफ अब तक कुल 9 T20 मैच खेले हैं। इसमें उन्होंने 91 के स्ट्राइक रेट के साथ कुल 140 रन बनाए हैं। भारत के खिलाफ दिनेश चांडीमल का T20 क्रिकेट में सर्वाधिक स्कोर 35 रन का है। आज श्रीलंका ने अपनी 16 सदस्यीय टीम का ऐलान कर दिया। दिलचस्प बात यह है कि चरित असलंका को कप्तानी का जिम्मा सौंपा गया है। हाल ही में खत्म हुए T20 वर्ल्ड कप 2024 में वानिंदु हसरंगा को कप्तान चुना गया था, लेकिन श्रीलंका टॉप 8 में भी एंट्री नहीं कर पाई। 11 जुलाई को उन्होंने कप्तानी से अपने इस्तीफा दे दिया। कयास लगाए जा रहे थे कि कुशल मेंडिस को कप्तान बनाया जाएगा, लेकिन बोर्ड ने असलंका पर भरोसा दिखाया और उनके अलावा टीम में दिनेश चांडीमल, दासुन शनाका और मथीशा पथिराना जैसे धुरंधर शामिल हुए। इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि भारतीय क्रिकेट टीम सोमवार को श्रीलंका पहुंच चुकी है। गौतम गंभीर ने रवाना होने से पहले प्रेस वार्ता में तीखे सवालों के जवाब भी दिए थे, जिसमें उन्होंने कंफर्म किया कि सूर्य कुमार यादव ही अब T20 टीम की कप्तानी करेंगे। हार्दिक पांडे से कप्तानी लेने के सवाल पर अजीत करकर और गौतम गंभीर ने कहा था कि वह फिटनेस के मद्देनजर उन्हें इस रेस से बाहर कर दिया गया है। गौरतलब है कि 27 जुलाई से भारत और श्रीलंका के बीच T20 मैचों की शुरुआत होने जा रही है। तयशुदा कार्यक्रम के अनुसार सभी मुकाबले पल्ले किले में खेले जाएंगे। भारत के समय के मुताबिक T20 मैच की पहली गेंद शाम 7 बजे डाली जाएगी, तो टॉस 6:30 बजे होगा। तो चलिए एक नजर डालते हैं श्रीलंका की टीम पर। चरित असलंका कप्तान पाथुम निसंका, कुशल जैनित परेरा, अविष्का फर्नांडो, कुशल मेंडिस, दिनेश चांडीमल, कामिंडो मेंडिस, दासुन शनाका, वानिंदु हसरंगा, दुनित वेलालागे, महेश तीक्षणा, चामिंडो विक्रम सिंघे, मथीशा पथिराना, नुवान तुषारा, दुश्मंता चमीरा, बिनोरा फर्नांडो। श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड ने भारत के खिलाफ 3 मैचों की T20 सीरीज के लिए 16 सदस्यीय टीम का ऐलान किया है। भारतीय टीम श्रीलंका पहुंच चुकी है। दोनों देशों के बीच 27 जुलाई से 3 मैचों की T20 सीरीज खेली जानी है। T20 सीरीज के बाद भारत और श्रीलंका के बीच 3 मैचों की ही वनडे सीरीज होगी। श्रीलंका ने अभी सिर्फ T20 सीरीज के लिए ही टीम का ऐलान किया है। वही BCCI दोनों सीरीज के लिए टीम का ऐलान कर चुकी है। तो आप भी इस खबर पर अपनी राय दीजिए, इस खबर को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस स्पोर्ट्स के साथ।